गांव में, शहर शहर, घर घर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है। मोदी जी पर भरोसा है, उनकी गारंटी है। वो जो मिशन चला रहे हैं और जो विकास के कामों को लेकर के, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो काम कर रहे हैं, उन सबसे प्रभावित होकर के देश की जनता ये चाहती है कि फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करें। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो और 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर एक पर हमारा देश आए, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए देश की जनता चाहती है कि एक ताकतवर प्रधानमंत्री, एक सशक्त प्रधानमंत्री हमारा देश का नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति बैठे। भाजपा की जाएगी अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस समय पूरे देश में कांग्रेस विचलित हो रही है, उनके नेता विचलित हो रहे हैं, उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए ये सारी बातें वो बौखला करके कर रहे हैं। आ रहे हैं तो स्वागत है, अगर अच्छी रीति नीतियों के साथ में और अगर सरकार अच्छा काम कर रही है और लोग प्रभावित होकर के आ रहे हैं तो हमारे द्वार खुले हैं, हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अभी इंदौर में भाई अक्षय कांति बम, जो बड़ा बम फूटा है, अब वो साथ में आए, वो कांग्रेस में दम घुट रहा था उनका, बस रावत जी आ गए, वहाँ की महापौर आ गई, तो अच्छा है। मुझे लगता है कि उनको देर आए दुरुस्त आए पर आ गए, स्वागत है। विधायक विकला, मैंने क्या कहा कि अभी वो विचलित हो रहे हैं, उनका उनका बिल्कुल अभी मुझे लग रहा है कि बौखलाहट हो रही है।